राग रस के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ वो बड़ी हस्ती बैठी हुई है जिनका संबंध हमारे मंगेशकर घराने से है। मेरे पिताजी जो कि संगीत तज्ञ थे और नाट्यकार भी थे, उनके मन में एक दिन आया कि मुझे राजस्थान जाना है और संगीत और बढ़ाना है, इसीलिए वो बीकानेर पहुंचे। वहां जाके उन्होंने पंडित सुखदेव प्रसाद जी को सुना और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बनूंगा, मुझे गाना सिखाइए। और उनसे उन्होंने गाना भी सीखा। आज उनके पुत्र और शिष्य हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और वैसे वो मेरे पिताजी के गुरु बंधु हुए और मेरे चाचा जान हुए। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार और राग रस के सुनने वालों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। आजकल लोग बोलते हैं कि जो पॉप म्यूजिक है जी। हम वेस्टर्न म्यूजिक हम गाते जी। हैं जी। हम बोलते हैं कि परदेश से हमने ये म्यूजिक उठाया है और ये आजकल तो आप देख रहे हैं कि हर गाना रिदम ही होता है। रिदम जरूर जी, लेकिन क्या हमारा जो क्लासिकल है उससे हटके है ये? नहीं, सवाल नहीं, सात सुरों से हटके तो कुछ कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत क्या माने रखता है, कितना बड़ा है। बड़ा भारी ज्ञान है। हाँ, तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन नई जनरेशन को ये पता नहीं है। अगर ये आप बता दें और ये प्रोग्राम अगर वो लोग रिकॉर्ड करके भी रखें तो शायद एक एक राग वो सीख जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि इन रागों से ये पॉप बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक गाना आपको सुनाती हूँ जो मेरे भाई का गाना है, दिनानाथ मंगेशकर का, और ये बड़ी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं आपके सामने गाना।